उज्ज्वला योजना के जरिए बीजेपी ने पूरे देश में 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर पहुंचाए हैं। अब इन परिवारों को बीजेपी अपने वोट बैंक में बदलने के अभियान में जुट गई है। पिछड़े और गरीब परिवारों के वोट पाने के लिए बीजेपी ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल कुरुक्षेत्र के शाहबाद के देवी धर्मशाला में बीजेपी के प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई। ये बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुलाई गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा गया। बैठक की अगुवाई कर रहे बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 108 योजनाएं शुरू की, जिनसे गरीब परिवारों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुँचा है। उन्होंने बताया कि बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उन परिवारों से मिलेंगे जिन्हें सरकार की इन योजनाओं से फायदा पहुँचा है। अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके संपर्क अभियान में उज्ज्वला योजना बड़ी भूमिका निभाने जा रही है, क्योंकि इस योजना का लाभ उन गरीब महिलाओं को पहुंचा है जो दिन भर धुएं के साए में खाना पकाती थी। इस बैठक में अनुसूचित जाति मोर्चा के शीर्ष पदाधिकारी से लेकर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे माननीय सोमकर जी का आगमन था हरियाणा में, और प्रदेश की कार्य समिति की बैठक इन्होंने लेनी थी, परंतु इस बार हमने माना अध्यक्ष जी के आदेशानुसार कार्य समिति की रूपरेखा चेंज की। पहले प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के प्रवक्ता, सह प्रवक्ता और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिलाध्यक्ष और महामंत्री ही हमारी कार्यकारिणी में आया करते थे, जो प्रदेश स्तरीय बैठक हुआ करती। पहली बार हमने अपने मंडल अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के साथ उनकी टीम को भी पहली बार आमंत्रित किया है। ये एक बड़ी योजना है पार्टी की, और सौभाग्य मुझे मिला कि शाहबाद मारकंडा मेरे कर्मभूमि है, वहाँ का मैं जनप्रतिनिधि करता हूँ, तो आज मुझे ये आयोजन करने का मौका मिला है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष रामतार जी का, माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार भी प्रकट करता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ कि ये अवसर मुझे दिया। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इतना बड़ा नेतृत्व जब हमारे बीच में पूरा दिन रहेगा तो हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी करेगा, और प्रदेश के अनुजाति वर्ग के लोगों के बीच में एक जागरूकता का प्लान है। हिंद एक्सप्रेस के लिए कुरुक्षेत्र से भारत साबरी की रिपोर्ट।